Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. I am at Dolphin Aquarium, that is located at Ville Parle West. इसका प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फिशेस की वैरायटीज कवर की थी. आज इस वीडियो में हम कुछ एक्जॉटिक बर्ड्स और क्रीचर्स कवर करने वाले हैं. यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल साइट है और नीचे आप देख सकते हो कि इसके अंदर कैटफिश है, शार्क्स है. इस पॉन्ड के अंदर आप देख सकते हो कुछ वाइट कलर के, ब्लैक कलर के जाइंट फिशेस है इस पॉन्ड के अंदर. और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से. आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो. ये व्यू का जो है, आप इस नज़ारे का आप आनंद उठा सकते हो यहाँ पे बैठ के. तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्रीचर्स और एक्सोटिक बर्ड्स कवर करने वाले हैं. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू टिल द एंड ऑफ द वीडियो. यहाँ पे मैं आपको जूम करने का ट्राई करता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टर्टल भी आपको दिख सकता है वहाँ पे. मैं यहाँ पे अंदर चला गया. टर्टल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक टर्टल है. सबसे पहला बर्ड जो हम डॉल्फिन एक्वेरियम में देखने वाले हैं, इसका नाम है ककटू, राइट? ककटू नाम है इसका. क्या खाता है ये? इसका नाम एक्चुअली पूरा नाम वो बोल रहे थे, सल्फर ककटू. सल्फर ककटू. और क्या बोले आप, क्या क्या इसको आप खाना देते हो? फ्रूट्स देते हो. सनफ्लावर सीड्स वगैरह लगता है इसको? सनफ्लावर बीज. सनफ्लावर सीड्स बी. बी, ओके. जो बीज होता है सनफ्लावर का. मेल है ये, फीमेल है ये? मेल है. और एक दूसरा ककटू है यहाँ पे, और ये भी मेल है और काफ़ी एक्टिव है ये. जैसे कि हम देख सकते हो कि ये कैमरा के पास आ गया है. जी जी जी. तो ये थे दो मेल ककटू एट डॉल्फिन एक्वेरियम जो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं इगुआना है और बेबी इगुआना है. और क्या खिलाते हो आप इसको? तो वेजिटेबल ही सब दे रहे हैं, क्या पब्लिक प्लेस है ना, इंसेक्ट नहीं दे सकते हम. जी जी, वेजिटेबल्स वगैरह देते हो आप. और इन्होंने एक वुड भी लगाया है इसको ऊपर चढ़ने के लिए. और यहाँ पे कुछ स्पेस भी है इसको बास्किंग के लिए. और एक इगुआना है इसके अंदर, दो इगुआना है टोटल. यहाँ पे नेक्स्ट इगुआना है. अगला कलर है इगुआना का यहाँ पे इनके पास. सबसे पहला हमने जो देखा था वो ग्रीन था. जी, आप इसको कोरिएंडर और वेजिटेबल्स फीड करते हो, राइट? यहाँ पे काफ़ी जाइंट इगुआना है. और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं गिनी पिग है ये. और ये क्या खाना खाता है? ये सब कोथमीर, मेथी, पालक वालक. ओके. आगे और ये है डक्स आपके पास, छोटे बेबी चाहिए. नेक्स्ट केज में हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीकन लव बर्ड है. और यहाँ पे इन्होंने आप देख सकते हो कि पॉच लगा के रखे हैं केजेस के अंदर. और इनके जो है, अगर आपको इनके नाम पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो अगर आपको इनके नाम पता है तो. नेक्स्ट बर्ड की केज अब हम देखेंगे. यहाँ पे इसके अंदर जावा बर्ड है. Thank you.
यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टर्की है यहाँ पे, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है इंडिया में। इसको एज मीट पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है बाहर के देशों में। टर्की को क्या खाना लगता है? यह है नेक्स्ट केज। सबसे पहले केज में यहाँ पे फिंचेस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गिनी फाउल है। ये केज है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि सारे लव बर्ड्स है इसके अंदर, अलग अलग कलर्स के लव बर्ड्स है इसके अंदर। यह है नेक्स्ट केज, और इसके अंदर है वाइट डव। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेड हैंस है, और इनके आप पैटर्न देख सकते हो कुछ अलग है, जो ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन का है। इनके फेदर्स आप देख सकते हो, बॉर्डर के ऊपर ब्लैक है और वाइट फेदर्स है। तो ये जो है सारे इम्पोर्टेड है, इंडियन हैंस नहीं है ये, जो हम रेगुलरली देखते हैं हैंस, वो हैंस नहीं है ये। और इस हैन का नाम है बैंटम हैन। ये इम्पोर्टेड हैंस होती है जो बाहर के देशों में पाई जाती है, बैंटम हैंस इनका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैबिट्स है, और इन रैबिट्स ने जो है यहाँ पे बेबीज दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, और सामने भी आप देख सकते हो एक बेबी रैबिट है। तो इनको खाने में आप क्या देते हो? गेहूँ और गोभी पत्ता वगैरह, मेथी पालक, वेजिटेबल्स वगैरह लगता है इनको, राइट? यहाँ पे और एक कलर का रैबिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉकटेल है। और यहाँ पे ऊपर एक अल्बिनो कॉकटेल है, वाइट कॉकटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैनटेल पिजन्स हैं। आप इनके फेदर्स देख सकते हो, टेल के फेदर्स देख सकते हो, कुछ अलग टाइप के हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चाइनीज बर्ड है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट बर्ड। इस बर्ड का नाम है रोजीला बर्ड। आप इसके बॉडी के फेदर्स देख सकते हो, कुछ रेड है, कुछ येलो है और कुछ ब्लूइश है। काफ़ी खूबसूरत पैटर्न है इसका, और ये काफ़ी अनकॉमन टाइप ऑफ बर्ड है। रोजीला इस बर्ड का नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो कॉकटाइल्स है, कॉकटाइल का पैर है यहाँ पे।
इस केज में और भी सारे कॉकटाइल्स हैं यहाँ पे, लगभग 10-12 कॉकटाइल्स है इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे। Thank you.